हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ साड़ी के रिव्यूज। ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की है और यहाँ पे मैंने चार साड़ी परचेज की है और चारों की चारों साड़ी मैंने अंडर 500 रुपीज़ में परचेज की है। सो वन बाय वन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि साड़ी का क्वालिटी और लुक में कैसी साड़ी है। बट आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाली सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। सो चलिए हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि साड़ी हमें कैसी रिसीव हुई है। यहाँ पे मैंने चार साड़ी परचेज की है और चारों सिल्क बनारसी साड़ी है और कुछ सिल्क साड़ी है और कुछ बनारसी सिल्क साड़ी है। सो वन बाय वन करके हम इसका क्वालिटी चेक कर लेते हैं। अंडर 500 रुपीज़ में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सो ये साड़ी आपको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि आपके घर में नॉर्मल कोई फंक्शन हो या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो तो ये साड़ी मुझे एकदम बेस्ट लगती है। एकदम हल्की फुल्की साड़ी है बट डिज़ाइन में एकदम डिज़ाइनर साड़ी से कम नहीं है। सो सबसे पहले मुझे ये साड़ी बहुत ही पसंद आई है, ब्लैक कलर में है। इसका एक्चुअल प्राइस इमेज मैं स्क्रीन पर दे दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एकदम लाइट वेट साड़ी है, ब्लैक कलर में है, बहुत ही प्रिटी लग रही है, आप देख सकते हो। मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल है। मुझे साड़ी बहुत ही प्रिटी लगी है, मटेरियल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा है। इसके अंदर हमें ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा मिलता है, सो हमें कट कराना पड़ेगा ब्लाउज पीस। सो ये साड़ी का पल्लू है कुछ इस तरह से, ब्लैक गोल्ड कलर में। सो गोल्ड कलर में हमें कुछ यहाँ पे वर्क दिया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो यहाँ से साड़ी स्टार्ट होता है, ऊपर हमें कुछ इस तरह से गोल्ड कलर में बॉर्डर मिलता है और नीचे कुछ इस तरह से बड़ा सा बॉर्डर मिलता है और बीच बीच में हमें कुछ इस तरह से वर्क मिलता है गोल्ड कलर में। बहुत ही प्रिटी ब्लैक कलर है, उस पर हमें गोल्ड कलर का वर्क दिया है। पूरी साड़ी पे सेम ही वर्क है और सेम बॉर्डर है। सो क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से पूरा पैसा वसूल लगता है मुझे। सो साड़ी मुझे बहुत ही प्रिटी लगी है। सो इसे हम वेयर करके देख लेते हैं कि लुक में कैसी लगती है। नेक्स्ट साड़ी मेरी कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्रिटी कलर लगा है मुझे इसका, एकदम यूनिक सा डिज़ाइन लगा है और मटेरियल बहुत ही लाइट वेट है। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये साड़ी। सो साड़ी हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुई है, बहुत ही प्रिटी मुझे लगी है और ये साड़ी का पल्लू है कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, बहुत ही प्रिटी है। ये साड़ी भी मैंने अराउंड 400 के अंदर ही परचेस की है। साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और ये साड़ी रेगुलर वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम लाइट वेट साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। पूरी साड़ी हमें कुछ इस तरह से चेक्स में मिलती है और बहुत ही प्रिटी लग रही है। सिल्क मटेरियल है और मटेरियल पे हल्का सा शाइन भी आ रहा है, सो वेयर करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो पूरी 6 मीटर की साड़ी है और हमें हमारा ब्लाउज पीस कट कर लेना पड़ेगा। एज इट इज साड़ी जैसी है वैसा ही हमें ब्लाउज पीस रिसीव हुआ है, इसके अंदर से हमें कट कर लेना पड़ेगा। सो साड़ी मुझे बहुत ही प्रिटी लगी है, इसे हम वेयर करके देख लेते हैं लुक में कैसी लगती है। ब्लैक एंड रेड कलर में एकदम सिंपल सी साड़ी है बट एकदम ब्यूटीफुल सी मुझे लगी है, एक
एकदम सिंपल एंड सोबर साड़ी है। सो ये साड़ी ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में है। कुछ इस तरह से हमें ऊपर बॉर्डर मिलता है ब्लैक कलर में, यहाँ पे हमें रेड कलर में प्लेन मिलता है, अगेन यहाँ पे एक बॉर्डर मिलता है, फिर चेक्स, फिर बॉर्डर एंड ब्लैक कलर और फिर रेड कलर। सो ये साड़ी मुझे डिज़ाइन वाइज बहुत ही प्रिटी लगी है, क्लासी लगी है, एकदम सिंपल और सोबर साड़ी लगी है। सो पूरे साड़ी पे हमें एज इट इज ऐसा ही वर्क मिलता है। पूरी 6 मीटर के ऊपर हमें साड़ी रिसीव हुई है, सो हम इसके अंदर से हमारा ब्लाउज कट करवा सकते हैं। सो साड़ी के मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल है। ये साड़ी भी मैंने अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास परचेज की थी, सो 500 में मुझे ये पूरी पैसा वसूल लगती है। हमारी लास्ट 4th साड़ी कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। सो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि क्वालिटी वाइज हमें ये साड़ी कैसी रिसीव हुई है। ये साड़ी हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुई है, ये साड़ी का पल्लू है और यहाँ से साड़ी स्टार्ट होती है। सो ऊपर की ओर हमें कुछ इस तरह से बॉर्डर मिलता है और नीचे की ओर हमें कुछ इस तरह से सेम बॉर्डर मिलता है, बट थोड़ा सा ब्रॉड बॉर्डर है। सो पूरी साड़ी रेड कलर में है और ऊपर नीचे दोनों ओर हमें बॉर्डर मिलता है। सो पूरी साड़ी पे हमें सेम बॉर्डर मिलता है और प्लेन साड़ी है और यहाँ पे हमें ब्लाउज पीस अलग से रिसीव हुआ है। सो कलर कॉम्बिनेशन ये साड़ी का मुझे बहुत ही प्रिटी लगा है। ब्लाउज पीस हमें कुछ ग्रीन कलर में रिसीव हुआ है और ब्लाउज पीस के पास भी हमें ये वाला बॉर्डर रिसीव हुआ है जो हम स्लीव्स के पास यूज कर सकते हैं। मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल है, वर्क का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। ये साड़ी मैंने अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास परचेज की थी, सो 300 रुपीज़ में मैं टोटली पैसा वसूल बोलूँगी, क्योंकि गाइस सो गाइस 300 रुपीज़ में क्या आता है यार, 300 रुपीज़ में हमें एकदम ब्यूटीफुल सी साड़ी रिसीव हो गई है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्रिटी सा है। ये साड़ी हम रेगुलर डे में आराम से वेयर कर सकते हैं, सो ये साड़ी हम ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट साड़ी है रेगुलर डेज के लिए। सो ओवरऑल ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और 300 रुपीज़ में पैसा वसूल है। सो चलिए हम इसे वेयर करके देख लेते हैं कि लुक में कैसी लगती है।